दोस्तों, आज के इस वीडियो के एपिसोड नंबर 1 में हम बात करेंगे भोजपुरी सुपरस्टार एक्टर पवन सिंह और डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह की जोड़ी की फिल्मों के बारे में, यानी इन दोनों एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी अब तक कुल कितनी फिल्मों में नजर आई है, कौन सी फिल्म हिट रही है, फ्लॉप रही है, ब्लॉकबस्टर रही है या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है, इन सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह और पवन सिंह की जोड़ी भोजपुरी की बेस्ट एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी में गिनी जाती है। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों की जोड़ी वाली फिल्मों के बारे में। तो इन दोनों की जोड़ी सबसे पहले हमें देखने को मिली थी फिल्म भोजपुरिया राजा में। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2016 में। इस फिल्म में पवन सिंह के अपोजिट नजर आई थी काजल राघवानी। इस फिल्म के गाने ने धूम मचाकर रख दिया था और 2016 के सबसे सुपरहिट गाने साबित हुए थे और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसके बाद इन दोनों की जोड़ी हमें देखने को मिली फिल्म सत्या में। सत्या 2017 की सबसे बड़ी एक्शन मूवी थी। इस फिल्म में पवन सिंह के अपोजिट नजर आई थी अक्षरा सिंह और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। साथ ही साथ थिएटर में 50 दिन तक चली थी और इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट साबित हुए थे और 2017 के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गाने के लिस्ट में शामिल हुए थे। इसके बाद हमें इन दोनों की जोड़ी देखने को मिली फिल्म धड़कन में और धड़कन इस फिल्म में पवन सिंह के अपोजिट नजर आई थी अक्षरा सिंह। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह और पवन सिंह की जोड़ी हमें देखने को मिली फिल्म वांटेड में। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2018 में और ये 2018 की एक एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म थी। फिल्म की स्टोरी को लिखा था वीरू ठाकुर ने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह और पवन सिंह की जोड़ी हमें देखने को मिली फिल्म क्रेक फाइटर में। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2019 के होली के मौके पर। फिल्म 2019 की सबसे बड़ी एक्शन मूवी थी। साथ ही साथ इस फिल्म का बजट 5.5 करोड़ था और ये भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगी बजट की फिल्म थी। इस फिल्म ने थिएटर्स में 100 दिन पूरे किए थे और बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट साबित हुई थी। यानी अब तक हमें सुजीत कुमार सिंह और पवन सिंह की जोड़ी 5 फिल्मों में देखने को मिली है, जिसमें से भोजपुरिया राजा सुपरहिट रही है, धड़कन फ्लॉप रही है, वांटेड और सत्या ब्लॉकबस्टर रही है और क्रेक फाइटर सुपरहिट रही है। यानी 2 फिल्म सुपरहिट, 2 फिल्म ब्लॉकबस्टर और 1 फिल्म फ्लॉप रही है। तो दोस्तों, आपको डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह और पवन सिंह की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप नेक्स्ट किस एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी की फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।